हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यमन सीजन 4 की नेक्स्ट एपिसोड में मिस बिहान गुलपरी के साथ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं। गुलपरी बहुत रोती है और वो मिस बिहान को अपनी सफाई पेश करना चाहती है, लेकिन मिस बिहान इसकी एक भी नहीं सुनती और वो गुलपरी को बहुत ही ज़्यादा मारती पीटती भी हैं। इधर फ्रेंड्स, मिसेज जावेदान जब ईद को चेक करती हैं तो उस ईद की बैग पर जख्मों के निशान देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ईद कहता है कि आप फेरी गर्ल को बुला लें ताकि वो मेरे लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन तैयार करे, लेकिन फ्रेंड्स एमए सख्ती से मिसेज जावेदान को मना कर देता है कि वो इस बारे में गुलपरी को इन्फॉर्म नहीं करेंगी, और अगर गुलपरी यहाँ पर आती भी है तो आप उसे घर में एंटर नहीं होने देंगी। इधर फ्रेंड्स, जब गुलपरी को इस बारे में मालूम होता है तो वो ईद से मिलने के लिए आना चाहती है और मिस बिहान उसे जाने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतने में सिवाश वहाँ पर आ जाता है और सिवाश गुलपरी से कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। सिवाश का ये बिहेवियर देखकर फ्रेंड्स मिसेज बिहान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मिस बिहान सिवाश से गुलपरी की शादी इसलिए करवाना चाहती थी कि वो गुलपरी को और भी ज़्यादा टॉर्चर कर सकें, लेकिन सिवाश हर बार गुलपरी को मिस बिहान के टॉर्चर से बचा ही लेता है। आफ्टर डैट फ्रेंड्स, गुलपरी आमिर के घर आती है और वो घर में एंटर होने से पहले आमिर से पूछती है कि क्या मैं ईद के लिए कुछ देर यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आमिर गुलपरी को अपने घर में रहने की इजाज़त देगा या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।